सो हेलो एवरीवन, माय नेम सत्रव अग्रवाल और आज का वीडियो यार थोड़ा सा अलग टॉपिक पे है। थोड़ा टॉपिक आप लोगों से कॉन्ट्रोवर्शियल भी सकता है, तो ध्यान से सुनना वीडियो को प्लीज लास्ट तक। थंबनेल के बेसिस पे जज मत करना वीडियो को प्लीज यार, और वीडियो लास्ट तक देखने के बाद ही कमेंट करना और लाइक जरूर करना वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगा हो। और उससे पहले अगर आपको नीट क्रैक करना है, चाहे आप 22 वाले हो 23 वाले हो, आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर करना चाहिए। वहाँ का जो कंटेंट है एकदम एक्सक्लूसिव फ्री और बेस्ट कंटेंट आपको नीट क्रैक करने के लिए मिलने वाला होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के लिए, ठीक है। तो लिंक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, नाम है अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल, ज्वाइन कर लो। अपनी क्लासेस चलती है रोज शाम को 8:15 पे, वहाँ पे भी आप आ सकते हो। तो भैया क्या आप बताने वाले हो ऐसा कि जिससे मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए, ठीक है। तो बता दो एक रेफरेंस बैक स्टोरी, जब मैं 2019 के अंदर नीट दे के आया था, ठीक है, उसके नीट के थोड़े दिन पहले मेरी एक टेस्ट हुई थी जो थी फ्रेंकली, सब कुछ फ्रेंकली बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। जो मेरी टेस्ट थी वो थी आकाश की फुल मॉक टेस्ट, ठीक है, 3-6 दिन पहले हुई होगी। 5 को नीट था, दैट वाज ऑन आई थिंक 30 अप्रैल समथिंग, ठीक है। तो वो टेस्ट मेरी लास्ट टेस्ट नहीं थी, लेकिन एक मतलब टेस्ट थी, ठीक है। उस टेस्ट में स्कोर था इन टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, दैट वॉज 376 out of 720। अब एक हाथ दो मास ऊपर था, 374th है, 76th में कोई एक्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 376 के आसपास ही था, 370s में था बेसिकली। ओके, मैंने नीट दिया, नीट में 476 आया, 100 मार्क्स इंप्रूव हुए, लेकिन एक्सपेक्टेड था ज़्यादा, क्योंकि मैंने पूरा साल, देखो बेसिकली मतलब आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि पूरा साल आपका स्कोर ठीक ठाक आता रहता है। मेरा भी स्कोर वही आ रहा था 450 to 550 की रेंज में, लेकिन जब फाइनली फुल सिलेबस मॉक टेस्ट स्टार्ट हुए, जब पूरे सिलेबस के एक साथ मॉक टेस्ट स्टार्ट हुए लगभग 18 अप्रैल से नीट के 25-20 दिन पहले, मेरा स्कोर जो ऐसे चल रहा थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा था, ऐसे 500-510 ट्रैक कर गया, ऐसे 410-420 पे, और 376 वाज द स्कोर जिसका मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, घर पे आया, ठीक है। उसके एक मंथ बाद मैंने एक और मॉक टेस्ट दिया, विच वॉज एलेन टेस्ट, एलेन का एक टेस्ट था, वो मैंने दिया लगभग 5th of May को, आपका वो हुआ था 15 जून के आसपास, मान लो 20 जून के आसपास, ठीक है। मैंने वो मॉक टेस्ट दिया होगा, दैट वाज फॉर एलेन, ठीक है, एलेन का मॉक टेस्ट दिया था वो मैंने, और उस मॉक टेस्ट में फुल सिलेबस मॉक टेस्ट नहीं था वो, दैट वाज अ पार्ट टेस्ट, लेकिन समझो क्या कहना चाहता हूँ, सिलेबस उसमें बहुत कुछ था, ठीक है, बहुत कुछ सिलेबस था, जो ऑर्गेनिक मेरे को समझ में नहीं आती थी वो सिलेबस उसमें था ऑर्गेनिक का, ठीक है। तो फाइनली मेरा जो स्कोर आया वो उस फर्स्ट टेस्ट की बात करो, ठीक है, 645, दिस वॉज माई स्कोर, और मैं अपने क्लास में हाइस्ट था, 17th हाइस्ट था, सब जगह में हाइस्ट मार्क्स लेके आया, ठीक है। तो भाई मेरे क्लास में और भी लोग थे जिनका नीट का स्कोर मेरे से बेटर था, 530, 500, 520 बहुत लोग थे, ठीक है, और मैं बहुत बेसिक से 1.5 मंथ्स आप मान सकते हो, मैंने लगभग 260-270 मार्क्स का जंप लिया इन माई मॉक टेस्ट मार्क्स, कैसे, ठीक है, क्या चेंज हुआ। बहुत लोग वीडियोस बनाते हैं इसके ऊपर कि बूस्ट यूर 200 मार्क्स इन वन मंथ, बूस्ट यूर मार्क्स इन वन डे, 3 मंथ्स, वो सब ठीक है, वो टिप्स होती है, ठीक है, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा अभी वो मेन चीज है, आपको साथ में बूस्ट करना है, ठीक है। ये जो बूस्ट हुआ दैट वॉज ड्यू टू माई रियलाइजेशन एंड माई परफेक्ट स्ट्रेटेजी मेकिंग। मैंने क्या किया, जब मैं नीट देकर वापस आया, मैंने अपने पुराने आकाश के मॉक टेस्ट निकाले, अपना स्कोर एनालाइज किया, तब मुझे पता लगा कि मैं कंसिस्टेंट नहीं था। जो मैंने हाईएस्ट टच किया था 550 के आसपास, दैट वाज जस्ट वंस और ट्वाइस, ठीक है, बाकी सारे स्कोर्स मेरे नीचे की तरफ ही थे, समझ आ रहा है। तो पहला फैक्टर, मैंने एक नोटबुक ली रात को, मुझे याद है मैं काफी ज्यादा डिप्रेशन में थे, मैं तो डिप्रेशन कभी हुआ भी नहीं है, ठीक है, दुखी था, ठीक है, कि यार स्कोर नहीं आया, तो एक नोटबुक ली मैंने प्लेन, अभी भी याद है, ये रियल 100% फैक्चुअल स्टोरी है। 10:30 बजे 5 मई को, ठीक है, नीट के रिजल्ट के बहुत दिन, नीट जस्ट हुआ था उसके 5-6 मई को, तो मैं कॉपी लेकर बैठा, पहली मैसेज मैंने लिखी, दैट वाज माय ओवर कॉन्फिडेंस, फर्स्ट मिस्टेक जो मैंने लिखी वो उसमें वो थी मेरी ओवर कॉन्फिडेंस। आपको भी ध्यान रखनी है, अगर आपका एक बार स्कोर 500 आ गया, 550 आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गारंटी नीट में अच्छा स्कोर करने वाले हो। तो पहला चीज में लिखा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस कर रहा था कि हाँ यार मेरा तो 500 टच हो चुका है, 550 टच हो चुका है, लेकिन असलियत में मेरा स्कोर 400-500 के बीच में रेंज कर रहा था हर बार, ठीक है। तो दैट वॉज माई फर्स्ट मेजर मिस्टेक, सेकेंड ओवर कॉन्फिडेंस, सेकेंड मिस्टेक वॉज मैं कि मैं एक चीज थी कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी को मैंने लिखा वहां पे कि कंसिस्टेंसी पढ़ाई में तो ठीक ठाक थी, आप भी
रोज एफर्ट डाल रहे होंगे, ठीक है, रोज 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, 15 घंटे पढ़ रहे हो, जो भी आपका अमाउंट ऑफ एक्सपायर्ड अमाउंट है, लेकिन आप देख रहे हो कि यार वो कंसिस्टेंसी से मजा नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब घंटे तो जा रहे हैं, रात को लगता है कि यार पूरा दिन पढ़ लिया, सो जाता हो, सो जाते हो, लेकिन जो आउटपुट निकलना है दैट इज नॉट दैट मच, ठीक है, तो क्या करें भाई। तो मैंने एक चीज निकाली कि आई एम गोइंग टू वर्क ऑन माई क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी, ठीक है, तो मैंने क्वांटिटी तो अच्छी खासी रखी, 10 घंटे के आसपास पढ़ाई रोज रखी, बट आई इंप्रूव माई क्वालिटी, ठीक है, मतलब अच्छे दोस्त बनाए, उन लोगों से प्रॉपर डिस्कस करता था चीजों को, मैंने रोज में स्टार्ट कर दिया, रोज रोज अपना प्लान करता था कि आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है, 5-6 टॉपिक कर लिए, रोज की रोज खत्म करना है अप्रोक्सीमेटली, मुझे पता है कि पूरा पूरा खत्म तो होगा नहीं, लेकिन जितना हो सके उतना खत्म करना है, ठीक है, ये हो गया दो इंपॉर्टेंट चीजें। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज भैया क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी जिसने मेरे मार्क्स इतने ज्यादा बढ़ा दिए, और उसके बाद बताओ, उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक, ठीक है, एक बार मैंने 645 अचीव कर लिया, उसके बाद मेरे मार्क्स ऑलमोस्ट 600 से ऊपर ही रेंज में रहे, 600 प्लस ही मैंने स्कोर किया है टिल लास्ट, और लास्ट तक आते थे 690 700 नंबर पे लाए मैंने, ठीक है, तो उसके बाद मैंने कभी 750 का फेस नहीं देखा, उसके बाद लिटरली कह रहा हूं मैं आफ्टर दैट वन मंथ, जहां पे मुझे इतना ज्यादा गिल्ट हुआ, गिल्ट इज द मेन रीजन, द ड्राइविंग फोर्स, द मोटिवेशन टू क्रैक एनीथिंग, बीट एनी एग्जाम और बीट एनीथिंग इन लाइफ, ठीक है, जो गिल्ट मुझे लगा अंदर, ठीक है यार मैंने थर्टी यार अपने गलती की वजह से एक साल अपना बर्बाद किया, पेरेंट्स को प्रेशर डाल दिया, ठीक है, सबके ताने सुनने पड़ रहे, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती थी, ठीक है, तो वो जो था वो एक मोमेंट, दैट वॉज अ चेंजिंग मोमेंट, रात को बैठ के मैंने सब गलतियाँ लिखी, उस पर फिर एकेडमिक गलतियाँ भी आ गई, क्वेश्चन प्रैक्टिस सही से की नहीं, प्रॉपर शेड्यूल नहीं बनाया, कभी भी सो रहे कभी भी उठ रहे, ठीक है, खाने पीने का शेड्यूल प्रॉपर नहीं है, लास्ट डे पे क्या पता नहीं रिविजन क्या करना है, एग्जाम्स को मैंने सीरियसली कभी लिया नहीं, जो मॉक टेस्ट होते थे उसमें मैंने प्रॉपरली प्लानिंग नहीं की, हर बार लगता था कि प्रैक्टिस कम पड़ गई, टेस्ट दूँ या ना दूँ, वो डर था हर बार, वो डर मुझे मॉक ईयर में ड्रॉप ईयर था उसमें कभी नहीं आया, ठीक है, मुझे डर था ना कि पेपर दूँ या ना दूँ, होता ना डर आपको भी कि इस बार स्किप कर दूँ क्या नेक्स्ट टाइम दे देता पेपर, ठीक है, वो डर मुझे कभी नहीं आया, पहले आया था इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, उसके बाद कभी नहीं आया, तो इस मैंने गलतियाँ लिखी, सबसे पहली गलती जो मैंने स्टार्ट की थी वर्क करना, दैट वॉज फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग माई कंसेप्ट, कंसेप्ट को मैंने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, हर एक चीज में इन डेप्थ वाई क्वेश्चन पूछो, वाई, ठीक है, वॉट इज वाई, हर एक चीज का पूछो कि अर्थ गोल है, गोल क्यों है, ठीक है, इस वजह से गोल है, ठीक है, ये वजह ऐसी ही क्यों है, ठीक है, तो हर एक में इन डेप्थ घुसो, जितना इन डेप्थ तुम घुस सकते हो, ठीक है, इन डेप्थ जितना घुस सकते हो, इन फिजिक्स इन केमिस्ट्री घुसो, सेम चीज अप्लाई करते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, सबके लिए, फिजिक्स और एटलीस्ट केमिस्ट्री के, जितना तुम, मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम लोग, और मैं भी कहना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये गलती करता था कि जितना सर ने बता दिया उतना फॉर्मूला रख लो और लगता है कि यस फिजिक्स कर लेंगे, लगता है बस, नहीं होता, ठीक है, तो पहली चीज दिमाग खोलना है, यहां से पूरा खोल के एक अप्रोच, ठीक है, प्रॉपर अप्रोच, क्लास में नोट्स पेपर बनाना है, क्लास में जो पढ़ा है उसको नोट डाउन करना है, जैसे वैसे पढ़ रहा ऑनलाइन पढ़ रहा ऑफलाइन पढ़ रहा फर्क नहीं पड़ता, नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चनिंग करो, ठीक है, कि सर ने बताया वीजी प्लस यू प्लस ए टी, यहाँ पे यही क्यों फॉर्मूला कैसे आया, कि डायमेंशनली मैच हो रहा है, हर एक चीज करके देखो खुद से, आपका हर एक कंसेप्ट इंटरलिंक्ड है, ग्रेविटेशन ले लो, कुछ भी ले लो, सब कुछ इंटरलिंक्ड है, तो ये चीजों को दिमाग में चलाना सीखो, क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछना सीखो, ये कुछ चीजें थी, ठीक है, उसके बाद मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा दी बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो जितना मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, लिटरली कह रहा हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई प्रैक्टिस्ड इन माय ड्रॉप ईयर वेर 10 टाइम्स मोर देन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व्ड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मैंने अपने ड्रॉप ईयर में लगभग बोल सकते हो आप 10 टाइम्स ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए एज कम्पेयर टू माई फर्स्ट अटेम्प्ट। बहुत लोग कहेंगे कि भैया टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास भी टाइम नहीं था, लेकिन करना पड़ा, क्योंकि मुझे स्कोर दिख रहा था 680-700 नंबर का स्कोर जो मुझे लाना था, अचीव करना था, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था भाई मेरे पास, ठीक है, मैं एक और साल घर बैठ के निकाल नहीं सकता था ऐसे ही, ठीक है, तो मुझे ये चीज़ करनी पड़ी और मैंने वो चीज़ की, क्लियर, और ये आपको भी करनी पड़ेगी, तो इसलिए कह रहा हूँ कि प्रॉपरली क्वेश्चन का नंबर, आपको लगता है कि मेरी प्रैक्टिस नहीं हो रही, क्वेश्चन सॉल्व करने में डाउट आ रहा है, नंबर डबल कर दो, और ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन लगा के छोड़ दिया ऐसे, नहीं, ठीक है, जिन क्वेश्चन मुझे दिक्कत थी उनको मैंने नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिया फिजिक्स केमिस्ट्री के,
ठीक है अच्छे से कि ये क्वेश्चन इस डीबीपी का या इस चैप्टर का एक्सरसाइज वन का ये सवाल 18 सवाल ये मुझे दिक्कत कर रहा है नोट इट डाउन। क्वेश्चन लिखना नहीं है, क्वेश्चन नंबर लिख लो, पेज नंबर लिख लो और दिस बुक और उसका आंसर लिख लो। ये कुछ चीजें थी जो मैंने 1.5 मंथ्स में खुद से अप्लाई करने कई बार दिक्कत आई, फिर अप्लाई किया फिर दिक्कत आई, फिर अप्लाई किया फिर दिक्कत आई। 1.5 मंथ जब मैंने देखा कि भाई 644-645 स्कोर आ गया, सब लोग खुश कि यार फर्स्ट टेस्ट में धमाका कर दिया, ठीक ठीक था ऐसे नहीं कि भोजन नंबर थे ये, लेकिन 645 बहुत गुड स्कोर मेरे लिए, तो भाई बहुत सुकून की राहत मिली। उसके बाद मैंने ये जो फ्लो था मेरा ही बनाए रखा। एक बार आप, मैं कह रहा हूँ, एक बार आप फ्लो में आ गए तो बहुत कम चांसेस है कि आप फ्लो से बाहर निकलोगे, निकलोगे तो आपको रियलाइजेशन हिट करके जल्दी से और आप वापस फ्लो में आ जाओगे। तो आप देखते हो कभी भी जो टॉपर होता है अगर उनका परफॉर्मेंस डिप भी करता है, ठीक है, जो अच्छा स्कोर कर रहा था क्लास के अंदर उनका परफॉर्मेंस डिप भी करता है तो वो जल्दी से कोप कर लेते हो। उसकी जगह आप जो होते हो, जब आपका परफॉर्मेंस डिप करता है बिकॉज यू आर ऑलरेडी ऑन अ लोअर साइड, जब डिप करता है तो आप उसको ऊपर ही उठा पाओगे कभी, तो ये चीज है, ठीक है। तो इसलिए ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स थी। देखो स्ट्रैटेजी वीडियोस बहुत मिलेंगे कि 2 मंथ में कैसे करें, 3 मंथ में कैसे करें उसे, लेकिन एक जो सबसे आप टेक अवे थिंग है इस वीडियो से वो है कि आपको बैठना है, आपको बैठ के अपनी चीज़ों को नोट डाउन करना है, खुद एनालाइज करना है और खुद के लिए एक स्ट्रैटेजी ड्राइव करनी है। चाहे आप उसके लिए किसी की वीडियोस का हेल्प ले लो, जो भी यूट्यूबर्स है भाई, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स बोल लो, कोई आपके मेंटर है, कोई डॉक्टर है, किसी से भी आप पूछ लो, जो IIT नहीं भाई कुछ भी हो, जो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, ठीक है, उनसे पूछो कि यार मैं ऐसे ऐसे अप्रोच ले रहा हूँ भैया दीदी, तो कहीं गलती तो नहीं है, ठीक है, कहीं कुछ है तो बता दो ताकि इस स्टेज में इम्प्रूव कर पाओ। मैंने भी एक दो लोगों से बात की थी जस्ट उस नीट के 2 दिन बाद कि यार ये सब गलतियाँ हो गई, तो एडवाइस ली मैंने, खुद का प्लान में डाला और एक खुद की स्ट्रेटजी डिराइव कर ली, 1.5 मंथ तक फॉलो किया, रिजल्ट मिला और उसके बाद फॉलो करना चला गया, दैट्स इट, सिंपल सी चीज़ थी, ठीक है। यही आपको करना है, यही आपको करना है, ठीक है। और इसको मैं हेल्प करने को पूरा तैयार हूँ आपका, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, अथर्वा करो ऑफिशियल, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, रिविजन नोट्स मैं आपको दूंगा, डायग्रामेटिक नोट्स मैं आपको दूंगा, ठीक है, मोटिवेशन मैं आपको दूंगा, गाइडेंस मैं आपको दूंगा, मेंटरशिप मैं आपको दूंगा, सब कुछ मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है इसमें। और अगर आप रिजल्ट लाते हो, अच्छा स्कोर करते हो, 700 नंबर 680 नंबर, तो उसका 1% क्रेडिट मेरे को नहीं जाएगा, नॉट इवन 1% क्रेडिट आई विल टेक फॉर इट, बिकॉज बहुत लोग कोचिंग में ले लेते हैं कि यार हमारे बच्चे से किया, ठीक है अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी भी क्रेडिट लेना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट जो होते हैं पूरे बच्चे के होते हैं, 100% आप कह सकते हो कि मेरे क्रेडिट्स मुझे हैं, कुछ अगर मैं कहूँ तो मेरे कुछ टीचर्स को बोल सकते हो या कुछ पेरेंट्स को, दैट्स इट, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, कुछ भी डाउट है इंस्टाग्राम पे पूछ लो, यार जितने मैसेज में रिप्लाई कर पा रहा हूँ रिप्लाई कर रहा हूँ, लाइव वहीं पे अनाउंसमेंट होगा आपके गिव अवे का भी, तो फटाफट वहाँ पे ज्वाइन कर लो। 8 तारीख को रात को अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि 8 को थोड़ा फ्री हूँ मैं, उस वजह से 8 को कर रहे हैं। कमेंट करना उस वीडियो के ऊपर भी, इस वीडियो पर कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।